समझेंगे कि अरहंत नाम का अर्थ क्या होता है। और अरहंत ये मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे चेतना में कैसे आया कि मैं अरहंत, ये नाम हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल या अरहंत के नाम से हम सब कुछ करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये अरहंत क्या है, अरहंत नाम का अर्थ क्या होता है, अरहंत नाम उन्होंने क्यों रखा, क्यों दिया। एक दिन मैं बिस्तर पे लेट रहा था, जैसे ही लेट रहा था तो मेरे अंदर से, मेरे चेतना से एक सिग्नल आई, अरहंत अरहंत मतलब अरहंत रखना है कुछ। तो मैंने सोचा हाँ अरहंत ही रखेंगे, अरहंत के नाम से ही हम जितने आध्यात्मिक काम करेंगे अरहंत के नाम से करेंगे। अरहंत के नाम से यूट्यूब चैनल हमने खोला, तो अरहंत एक सिर्फ अरहंत है, एक अरहंत इंग्लिश है, एक अरहंत असामीज है, तो तीनों चैनल अरहंत इंग्लिश, अरहंत असामीज और एक अरहंत फेसबुक भी हम अरहंत के नाम से ही कर रहे हैं। तो मूल बात यह है कि अरहंत नाम का अर्थ क्या होता है। मैंने जब इस अरहंत नाम का अर्थ ढूंढने की प्रयास किया तो मुझे मिला बहुत सुंदर नाम। एक्चुअली ये मेरी चेतना से आई कि एक्चुअली अरहंत होता क्या। हालांकि मैं एक नाम ढूंढ भी रहा था कि किस नाम से हम करेंगे, बहुत सारे नाम मिला लेकिन वो जचा नहीं, लेकिन ये स्वतः अपने आप अंदर से आया। तो जब मैंने अरहंत नाम जब देखा तो बहुत सुंदर मीनिंग था। एक था कि अरहंत का मतलब होता है इन बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म में होता है अरहंत वो होते हैं एन इनलाइटेंड मास्टर, एन इनलाइटेंड मास्टर वह जो ब्रह्म को जानता है, वह जो परम सत्य को जानता है, परम तत्व को जानता है, वह जो सत्य को जानता है वह अरहंत है, जिसे मुक्ति मिल गई है, जो लिबरेटेड हो चुका है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल चुका है, वह अरहंत है, एन इनलाइटेंड मास्टर। फिर मैंने इसको और ढूंढा तो और एक नाम मिला जो कि शिवा, जो हिंदुइज्म में हम शिवा कहते हैं, तो शिवा, शिवा की दूसरी नाम है अरहंत, जिसका मतलब है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मीन्स बेनिवोलेंट जेनरस एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एविल्स, दयालुता। बेनिवोलेंट मीन्स दयालुता, जेनरस उदारता एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एविल्स और बुराइयों का नाश करने वाला, मुक्तिदाता। फिर शिवा के एक अलग सा नाम, और ये स्वतः अपने आप अंदर से आया ये नाम। तो मैंने बोला यस इसी नाम को हम रखेंगे, इसीलिए हमने हर जगह अरहंत के नाम से रखेंगे। अरहंत के नाम से ही हम हर कार्यक्रम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी अरहंत। और जो भी हमारे पास आएंगे, जो लोग संत सन्यासी जो भी बनेंगे या साधक होंगे, अगर वो लिबरेटेड हो गए, यानी कि उन्होंने इनलाइटनमेंट की घटना की अनुभव किया, आत्मा साक्षात्कार किया, कुंडलिनी जागरण हुई, सहस्रार खुला, ये परम उपलब्धि उनकी हो गई, तो वो अपने नाम के पहले अरहंत लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई भी। जैसे कि अरहंत राजू दास, अगर मान लो अरहंत राजू दास आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अरहंत रामकृष्ण शर्मा अरहंत लगा सकते हैं। ये अरहंत कह रहा है कि आप अरहंत बन चुके हैं, ये दूसरों के लिए। हम तो नाम के आगे कुछ ना भी लगाए तो कोई बात नहीं है, जैसे लोग लगाते हैं ना स्वामी, इसी तरह से ये अरहंत बता रहा है। तो इसीलिए एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग हम नाम मिला, जो कि इसका बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग है इन बुद्धिज्म में, और यानी हिंदुइज्म में भी ये बहुत अच्छा नाम मिला, तो इसलिए हमने अरहंत के नाम से रखा। तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे जितने सारे जो जीव है, जो बंधन में है, वो मुक्त कैसे हो, मुक्ति को कैसे पाए, कैसे वो लिबरेशन को कैसे पाए, इनलाइटनमेंट को कैसे एक्सपीरियंस करे, कैसे अरहंत बने, वो कैसे अरहंत बने। तो परम उद्देश्य यही है कि वो अरहंत कैसे बने लोग, यही मीनिंग है। इतने मैं कहना चाहता था आप लोगों से, अरहंत का नाम, अरहंत नाम का अर्थ क्या होता है, और हम अरहंत बनाना चाहते हैं लोगों को। नाम में कुछ रखा नहीं है उस स्थिति,
वहाँ पहुँच जाना, उस परम उपलब्धि, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि अनंत नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, नमस्कार।